नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो पहले बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो क्षेत्रमिति होगा, और क्षेत्रमिति में जो सबसे पहले बात करेंगे अपन वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो वर्ग के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत पता है, और बता देता हूं मैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर भुजाएं। चारों भुजाएं क्या होती है? चार भुजाएं बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण की बात करूं तो मैं, प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। विकर्ण ये इसका क्या हो गया? विकर्ण। और ये भी क्या हो गया इसका? विकर्ण हो गया। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। जैसे ये भुजा और इस भुजा की बात करूं और इस विकर्ण की बात करूं, अगर इसको अलग से लेके देखूं तो मैं क्या हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया? करण हो गया। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, समकोण त्रिभुज। ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पता है आपको? 90 डिग्री का होता है। तो ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब, ये करण। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, करण बराबर क्या होता है? करण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर मैं इसके पहले पॉइंट की बात करूं तो जो अपने को याद रखनी है वो है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक तो होता है भुजा का स्क्वायर, और एक वर्ग का क्षेत्रफल और होता है, उसको बोलते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। वर्ग का क्षेत्रफल इंपोर्टेंट है, याद करना है भुजा का स्क्वायर। और अगर आपको विकर्ण देते, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछे तो कुछ नहीं करना, विकर्ण का स्क्वायर बटे में दो करना है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वर्ग का क्या आता है? परिमाप। अगर परिमाप की बात करूं, जैसे ये एक पॉइंट है, ये बी और ये सी और ये डी, यहां से चलना स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति, यहां से इस पॉइंट ए से वापिस बी, बी से सी और सी से डी होते हुए वापिस ए पर आ जाता है, इसका क्या हो गया? परिमाप। या ऐसा बोल सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परिमाप चार इंटू भुजा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट दो इंटू भुजा, अंडर रूट दो इंटू भुजा। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें तीन पॉइंट याद करने हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, वर्ग का परिमाप चार इंटू भुजा, या वर्ग का विकर्ण अंडर रूट दो इंटू भुजा। तो जैसे मैं इस पे एक पहला क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्वेश्चन की बात करता हूं, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर। अब आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा, इसने वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करूं मैं, एरिया, क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100।
सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रक है, इसमें से ध्यान रखना। सो अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अपन इसको वर्ग से मील बोल सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। दूसरा अपने को पूछ रहा है विकिरण, विकिरण क्या होता है, अंडर रूट दो इंटू भुजा, तो अंडर रूट दो इंटू भुजा कितनी है, दस। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दस अंडर रूट दो सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अपना नोट्स बनाते रहना, और जो पीछे का मैंने क्वेश्चन करवाए हैं क्षेत्रमिति जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपने जो नोट्स बनाए थे उनको साथ साथ लेके चलना, और जो क्वेश्चन करवाए थे और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको साथ साथ करना, रिवाइज करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, बोले सर ये टॉपिक बहुत हार्ड है। प्यारे बच्चों हार्ड नहीं है, आपकी थिंकिंग हो गई है कि ये समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कुछ नहीं है, फॉर्मूले बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो प्लीज अपना जो पूरा माइंड सेटअप करना वो आराम से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना, आप क्वेश्चन कैसे सर बता रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना चाह रहे हैं, सब आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना हो। एक ही चीज पढ़ना आपको, जैसे क्या दे दी भुजा, दे दी दस सेंटीमीटर, पूछा क्या क्षेत्र पर, पूछा कोई दिक्कत नहीं, भुजा का स्क्वायर करेंगे आगे सो विकेंड पूछा रन रूट दो इंटू भुजा बराबर आगे। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, किसी वर्ग का विकिरण तीन अंडर रूट दो सेंटीमीटर है, वर्ग का विकिरण तीन अंडर रूट दो सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल याद करो क्या दे रखा है, वर्ग का विकिरण आपको इस बार क्या दे दिया, विकेंड दे दिया, कितना दे दिया तीन अंडर रूट दो। प्यारे बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपको ध्यान रखना क्या दिया हुआ, इस बार दिया हुआ आपको विकेंड, क्या दिया हुआ विकेंड, तो कुछ नहीं करना आपको विकेंड का फॉर्मूला लगा, किसका है वर्ग का विकेंड, तो आपको वर्ग के विकेंड, विकेंड दे दिया तीन अंडर रूट दो, और विकेंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट दो इंटू भुजा बराबर दे रखा है इसने तीन अंडर रूट दो। तो यहां से मैं अगर बात करूं भुजा, जो भुजा के गुणा में अंडर रूट दो वो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तीन अंडर रूट दो बटे अंडर रूट दो, अंडर रूट दो से अंडर रूट दो कितना आ गया, भुजा आ गया इस बार तीन सेंटीमीटर। पूछा क्या आपने को क्षेत्रफल, पूछा क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब तीन का स्क्वायर कितना आ गया, नौ वर्ग से भी बोल सकते हैं या नौ सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी है, तो वर्ग का विकिरण 75 क्या दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया आपको, क्षेत्रफल दे दिया इस बार 225 क्या दे दिया 225। अब आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट अप करना है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दे दिया आपको 225। अगर यहां से मैं भुजा की बात करूं तो ये जो दो है इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा 225। अब आपको पता है भुजा अगर यहां से निकालेंगे तो 225 किसका होता है स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब भुजा कितनी आ गई। प्यारे बच्चों मैंने आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद करवाए थे, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद किए थे अपन लोगों ने, तो आपको पता होना चाहिए 225 किसका होता है, 225 किसका होता है 15। अब यहां से आपके पास भुजा आ गई, पूछा है विकिरण,
लेकिन पता है आपको अंडर दो इंटू भुजा होती है, तो अंडर दो इंटू भुजा कितनी आ गई 15, इसका मतलब 15 अंडर दो सेंटीमीटर, विकर्ण कितना आ गया 15 अंडर दो सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं, वर्ग का क्षेत्रफल याद करो, यदि वर्ग का क्षेत्रफल याद करना है, यदि आपको वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या दे दिया इस बार क्वेश्चन में, वर्ग का विकर्ण दे दिया, वर्ग का विकर्ण दे दिया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर वर्ग का विकर्ण देते तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, कुछ नहीं करना, क्या करना है विकर्ण का तो स्क्वायर करना है, बटे में दो करना, तो वर्ग विकर्ण कितना है 6 का स्क्वायर 36 बटे दो, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको समझना कोशिश करना, और जो मैंने बुक में आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपके नोटबुक में जो नोट्स बनाए थे वो साथ साथ में पढ़ना। अब आगे की बात करूं, ये जो वर्ग है ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आपके आर्मी लेवल के लिए बता रहा हूं, मैं ओनली फॉर आर्मी लेवल के बता रहा हूं, बहुत इजी टॉपिक है। अब इसके बाद में मैं बात करूं आयत की, तो आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने भुजा बराबर होती है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, भी 6, और अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 होगी। जो अपने को इसमें जो याद करना, वो पहला पॉइंट है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और दूसरा पॉइंट है तो ये क्या हो गया इसका विकर्ण, क्या हो गया विकर्ण। उसी प्रकार जैसे ये क्या होता है करण, करण को क्या बोलते हैं विकर्ण, और ये हो गया इसका आधार, और ये क्या हो गया लंबाई। ये जो आयत बना है, अगर मैं इस भाग को अलग से निकाल के देखूं रखूं तो ये क्या हो गया लंबाई, और ये क्या हो, ये क्या हो गई चौड़ाई, और ये क्या हो गया विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण क्या होगा, वो होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट है आयत का परिमाप, क्या होता है आयत का परिमाप। अगर परिमाप की बात करूं, देखो ये लंबाई 6 और ये भी लंबाई 6, दो बार तो ये जुड़ेगी आमने सामने भुजा, और ये 4 और ये 6, दो बार ये जुड़ेगी। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन है आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल याद करना है। और अभी मैंने आपको क्षेत्रफल एरिया का जो फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 6, चौड़ाई 4, कितना आ गया 24 वर्ग सेमी, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं वीकेंड की, किसकी बात करूं, वीकेंड याद करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन पे वीकेंड की बात करूं, वीकेंड क्या होता है, अंडरूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 36 10 46 है 52 अंडरूट के अंदर, सॉरी अंडरूट के अंदर 52 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं तो वीकेंड की बात करूं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना हो गया 52, वो भी किसके अंदर, अंडरूट के अंदर। अब ये 52 जो अंडरूट से बाहर नहीं आएगा, या इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 13 × 4, 13 × 4 क्या होता है, 13 × 4 क्या होता है 52। अब 4 आपको पता है अंडरूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2, और अंडरूट के अंदर क्या रहेगा 13, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन के अंदर आपको ये मिलता है तो ठीक है, वरना आपको ये मिलेगा। अगर ये 52 सोल्व हो रहा है अंडरूट के अंदर, क्योंकि लिख सकते हैं इसको 13 × 4, 13 × 4 52, और 4 को अंडरूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा 2, और अंडरूट के अंदर क्या रहेगा 13, तो 2 √13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो यह इसको ऐसा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 8 और इसको मान लेते हैं 6। ठीक है, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप 8 याद करो, आयत का परिमाप तब 8 याद करो। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पहला पॉइंट है परिमाप की बात करता हूं मैं, आयत के परिमाप की बात करता हूं। परिमाप का फॉर्मूला लिखा था 2 × लंबाई, या इसको हिंदी में लिखते तो लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 6, 2 × 8 = 14, और 14 × 2 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, क्या हो गया सेंटीमीटर। 2 × लंबाई 8, चौड़ाई 6, 8 = 14, 14 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 28 सेंटीमीटर।
अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं वीकेंड की, क्या बोल रहा आपको वीकेंड की, वीकेंड की बात करें तो वीकेंड क्या होता है, अंडरूड लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है 8, प्लस चौड़ाई कितनी है 6, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 70 30 100, कितना हो गया 100, और अंडरूट के अंदर आ गया 100। अब आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो वीकेंड कितना आ गया 10 से सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों मैं आपके लिए डेली क्या ये भी थोड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है तो इतना वो क्या ये अपने पास आज मैं चू आया हूँ, तो डेली मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आधे घंटे की क्लास कोशिश करूंगा। तो क्षेत्रमिति अपन पूरा टॉपिक करेंगे, क्योंकि जो प्यारे बच्चों वो आर्मी की जो समस्या होती है आर्मी बच्चों की, वो क्षेत्रमिति टॉपिक होता है। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आते हैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, एक तो फॉर्मूला या कन्फर्म आता है, कन्फर्म फॉर्मूला आता है। तो प्यारे बच्चों जो जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ वो साथ साथ याद करते रहना, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, तो कम से कम इसको 2 से 3 बार रिवाइज करते रहना अपने को डेली सुबह से। आप 10-10 मिनट अगर फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे अपने उस उत्तर। और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी डेली डेली साथ साथ निकालना है आपके पास। अब कुछ काम नहीं, घर पे बैठे रहना है अपने को, वो घर से बाहर भी नहीं निकलना है। लॉकडाउन में अपना जो टाइम मिला है पेपर के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए पूरा टॉपिक, या घर जो बच्चे घर पर तैयारी नहीं कर पाए थे उनके लिए भी अच्छा टाइम है, अभी भी पढ़ लो, टाइम अपने पास। अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो बहुत घातक हो सकता है अपने लिए, जैसे ये कोरोना वायरस हो रहा है। क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर पहले क्या हो गया, अपन ध्यान नहीं दिया अपन लोगों ने, मिलना जुलना, शादियों में जाना, पार्टी करना, सब कुछ अपन ने ध्यान नहीं करते हैं। शादी कोई की शादी हो रही दोस्त की तो वहां जाना, अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो जो भी गलती है कोरोना वायरस फैलने की वो सब कुछ अपनी गलती है। तो प्यारे बच्चों अब इस बार अपने गलती नहीं करनी है, अपने को घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करनी है, और इस जो अपने को समय मिला है इसका पूरा फायदा उठाना है, पूरा जहां तक कोशिश हो उसके पूरा जी जान लगा देना, मेहनत करना है। कुछ काम नहीं, दो ही तो काम होते हैं घर पे बैठे रहने, या तो सो जाओ या पढ़ लो, सोना और पढ़ना दो ही तो काम होता है। समय समय पर तो खाना सबको खाना ही है, ठीक। तो प्यारे बच्चों घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और अपने को घर पे बैठ के तैयारी करनी है अच्छे से। कुछ नहीं, डेली आधी आधी घंटे क्लास निकलूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आप लोगों का, आधी घंटे की क्लास लेनी है आपको, आधी 20-25 जितने भी लेता हूँ मैं। आपको डेली पढ़ना है, दो बार रिवाइज कर लेना, वो पीछे का रिवाइज करते रहना। मेरे जो यूट्यूब पे जो वीडियो है पुराने, जो आपको टॉपिक समझे उनको कम से कम बार बार देखते रहो, तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए काफी है, और अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों को भी बताएं, लॉकडाउन का फायदा उठाएं, ठीक है। नमस्कार।